हे गाइस, सैंडर्स लवर्स हियर। तो गाइस, जैसे कि आपने अभी न्यूज देखी है, टिकटॉक बैन होने वाला है। तो गाइस प्लीज, मेरा उन क्रिएटर से कुछ कहना है, कुछ भी ऐसा स्टेप मत उठा लेना। मुझे पता आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, तो टिकटॉक की अच्छी मेमोरीज याद रखना कि टिकटॉक ने आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि लोग आपको जानते हैं, आपका टैलेंट जानते हैं, तो टैलेंट आप दिखा सकते हैं बहुत अच्छी जगह। और बोलिए, जितना दुख हमें होगा उतना दुख टिकटॉक को भी होगा कि वो अपने इतने अच्छे क्रिएटर्स खो देगा। उसने भी हमारे लिए बहुत मेहनत करी है, हमने भी उनके लिए बहुत मेहनत करी है। तो प्लीज, टिकटॉक जा सकता है लेकिन हमारा टैलेंट कोई नहीं छीन सकता। हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे वर्क कर सकते हैं, तो बी पॉजिटिव और अच्छे से रहो। कुछ भी गलत स्टेप उठाने की जरूरत नहीं है। एंड पॉजिटिव पॉजिटिव सोचो, क्या पता टिकटॉक वापस भी आ जाए। जरूरी थोड़ी है, जाएगा ही जाएगा। और सत श्री अकाल जी सारिया नू। जिवें पता ही आ सब नू कि टिकटॉक बैन हो रही है इंडिया च, ते हुण आपां सारे जणे इंस्टाग्राम ते मिलांगे, ते मैं उत्थे अपनी डेली वीडियो ते पोस्ट अपलोड करांगी। ते सारे जणे इंस्टाग्राम ते मैनू फॉलो कर लो, नीचे मैं आई डी मैनशन करन लगी हाँ। ते आही सेम आई डी जो टिकटॉक ते सीगी, उही सेम इंस्टा ते आ। ते बाय बाय सारिया नू, हो सकदा आ मेरी टिकटॉक ते लास्ट वीडियो होए शायद, अगर बंद होगी ते। Bye. मैंने रिसेंटली देखा न्यूज चैनल्स पे दैट टिकटॉक बंद हो रहा है, एंड सारे ऑलमोस्ट सारे टिकटॉकर्स जितने भी इन्फ्लुएंसर्स है सब वीडियो बना के डाल रहे हैं दैट टिकटॉक बंद हो रहा है। तो यस, मैंने भी देखा वो चीज़, तो मैंने सोचा दैट मैं भी आप लोगों से इंटरेक्ट करूँ। तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई दैट अगर चाइना के साथ हमारा वॉर चल रहा है तो सारी चाइनीज ऐप डिलीट कर दो। तो हमारे घरों में इतनी सारी चाइनीज़ की चीज़ें, तो वो भी निकाल फेंको ना बाहर, तो व्हाट इज़ दिस। तो पहले इतनी अनएम्प्लॉयमेंट थी हमारी जो कंट्री में, तो उससे क्या हो जाएगा, अभी इससे क्या हो जाएगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी मैं ये हैरान हूँ कि लोग हैं जो मैसेजेस कर रहे हैं दैट हाँ आप लोग टिकटॉक बंद हो रहा है, कैसे हो टिकटॉकर्स, तो व्हाट इज़ दिस। मतलब अभी क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, जितने लोग यहाँ पे बचे हैं, जितना यूथ यहाँ पे बचा हुआ, वो भी बाहर फॉरेन कंट्रीज में चला जाएगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होने वाला। तो ठीक है, डन है। सुनो, टिकटॉक बैन हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, पर खुशी पता किस बात की है कि हम अपने देश के लिए कुछ भी छोड़ सकते हैं। ये टिकटॉक क्या चीज़ है ना। चलो आखिरी बार बाय। व्हाट्सअप फैम, तो जैसे कि अभी आप लोगों ने देख लिया होगा न्यूज़ में कि इंडिया ने कुछ ऐप्स और टिकटॉक को बैन कर दिया इंडिया में। हमारे अच्छे के लिए किया है, हाँ बुरा लग रहा है, बट अपने देश और अपनी कंट्री से प्यारा कुछ नहीं है, मेरे लिए तो खासकर। ठीक है, तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद है, अगर मेरी वीडियोज़ पसंद है, तो जाके आप प्लीज़ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए। प्रॉमिस, रोज़ एक वहाँ पर ट्रांजिशन वीडियो दूंगा और वहीं बातें करेंगे। अब बाकी मैं तो अपनी इंडियन गवर्नमेंट के साथ हूँ, जो उन्होंने स्टेप लिया है कुछ सोच समझ के ही लिया होगा। तो गाइस, शायद ये लास्ट वीडियो भी हो सकती है मेरी, तो प्लीज़ मुझे वहाँ पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और वहीं बातें करेंगे, वहीं आपको वीडियोस दूंगा रोज़। टेंशन मत लो, इतने मैसेज घबराओ मत, हमको कोई नया ऐप मिलेगा हम वहाँ चलेंगे। तुम लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो तो वहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। हमारा क्या है, हम तो कहीं भी इंटरटेनमेंट करेंगे, बस प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, कहीं और चलेंगे इंस्टाग्राम। हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। ते बड़ी शॉकिंग न्यूज़ आ गई, हुणे पता लग्गा कि टिकटॉक बैन हो गया वा। ते बाकी चलो लिंक दिता वा, ते अपना इंस्टाग्राम ते जरूर फॉलो करियो। ते हुण इंस्टाग्राम ते लाइव होया करांगे, ते उत्थे ही मिलदे आ फिर। टिकटॉक नूं अलविदा ते सत श्री अकाल। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को भी पता चल ही गया होगा कि टिकटॉक बैन हो चुका है, मैं आप सभी को बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। वो मिस करूँगा कि रोज़ मैंने वीडियोस बनानी होती थी, अपलोड करनी होती थी, और अब मैं और मेहनत करूँगा, अब मैं इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालूँगा, यूट्यूब पे शुरू करूँगा। तो प्लीज़ मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर ज्वाइन कीजिए, और शायद वो प्यार हम दोबारा कहीं पर बना पाए। लॉट्स ऑफ लव, खुश रहिए। नमस्कार टिकटॉक फैमिली, कैसे हैं सब लोग। तो बड़े अफसोस की बात है कि टिकटॉक बैन होने वाला है, और टिकटॉक के ऊपर ऐसे कई लोग हैं जो आपको हंसाते भी हैं, आपको समझाते हैं, डॉक्टर है इसके ऊपर, जिम ट्रेनर हैं, और भी कई अच्छी अच्छी बातें बताने वाले लोग हैं। और मुझे नहीं लगता कि टिकटॉक किसी चीज़ को लेके गलत प्रमोट करता है। तो मेरी अपील है सभी से कि टिकटॉक के लिए आवाज़ उठाएं और टिकटॉक को रहने दें। जय हिंद। जय हिंद।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਟਿਕਟੋਕ ਬੈਨ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਟਿਕਟੋਕ ਬੈਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸੋ ਮਤਲਬ ਡਿਪਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ ਬਸ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਤਗੜੇ ਰਹੋ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਜੂਗੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਚੀਅਰਸ ਕੀ ਗੱਲ ਦਸ ਦਸ ਬੈਠਾ ਟਿਕਟੋਕ ਬੈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਟਿਕਟੋਕ ਬੈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਟਿਕਟੋਕ ਬੈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਹੈ ਟਿਕਟੋਕ ਵਾਲੇ ਆਈ ਮਿਸ ਯੂ ਬਾਈ ਵਧੀਆ ਯਾਰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਦਿਨ 'ਚ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਭੋਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਬਟ ਟਿਕਟੋਕ ਬੈਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਜ਼ਬਾਤ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਇੰਸਟਾ 'ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਣਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਲਾ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੇਕਾਰ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹੋਰ ਭੋਰੀ ਹੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਨਮੋਲ ਕੁਆਜ਼ਰ 96 ਜੀ ਬਾਕੀ ਚੜਾ ਮਤਨ ਭਰਾ ਹੈ hello@gmail.com mangkoyohan ਅੱਛਾ ਚਲਤਾ ਹੂੰ ਦੁਆ ਮੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਟਿਕਟੋਕ ਬੈਨ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ ਮਿਲਣਗੇ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋ हेलो गाइस आज मैं बस ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ये जो मेरी टिकटॉक फैमिली है उसे मैं एक पर्सन भी खोना नहीं चाहती बिल्कुल भी नहीं क्योंकि इतना प्यार दिया आप लोगों ने हर चीज़ में मुझे सपोर्ट दिया सो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो भी हैं मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए मैं हमेशा अपडेटेड रहूँगी सो आप लोगों को मैं अपनी इंस्टा आई डी बताती हूँ @IAM_DREAM_MEENAKSHI ये मेरी इंस्टा आई डी है आप प्लीज़ सब मुझे फॉलो करो और वहाँ पे भी इतना प्यार दो मैं ये खोना नहीं चाहती आपको लव यू गाइस बाय बाय टेक केयर